Students, assalamu alaikum and welcome to the today's lecture. The topic we will cover during today's lecture is web project management. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे. प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के बारे में पढ़ा. इसमें हमने देखा कि वो मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जिन्हें हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस. इसमें हमने देखा कि हमें जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि इस जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जा रहे हैं इसमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और उन फंक्शंस के ऊपर कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं. इसके बाद हमने डिज़ाइन की एक्टिविटी पढ़ी, जिसमें हमने ये देखा कि हम डिज़ाइन फेज़ में जो सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर जो है वो उसे डिफ़ाइन करते हैं. इसके बाद हमने जो है टेस्टिंग की एक्टिविटी को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो यूनिट टेस्ट और सिस्टम टेस्ट और एक्सेप्टेंस टेस्ट, इन टेस्ट के थ्रू हम वैलिडेट करते हैं कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया है ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या नहीं. और फाइनली जो है वो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के अगर फ्यूचर में यूज़र की जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होती हैं और वो मज़ीद फंक्शंस ऐड करना चाहता है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को और उसकी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करने के बाद हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी फॉर अ वेब डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल, जिसमें हमने देखा कि जो वेब प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बाय नेचर इनका डेवलपमेंट टाइम शॉर्ट होता है, तो हमें जो प्रोसेस मॉडल डिफ़ाइन करना है फॉर वेब एप्लीकेशंस वो कैपेबल होना चाहिए कि वो शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम को हैंडल कर सके. इसी तरह से जो बाय नेचर वेब एप्लीकेशंस होती हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बड़ी रैपिडली चेंज हो रही होती हैं, और अगेन हमने टाइम कंस्ट्रेंट्स को मीट करने के लिए जो है इन्हें बड़ा क्विकली हैंडल करना होता है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को. इसी तरह से हमने देखा कि समटाइम्स हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स को की पैरेलल जो है वो डेवलपमेंट करनी पड़ती है, तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक वेब डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल में होनी चाहिए. हाँ, इसके बाद हमने एक ओवरव्यू देखा रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल का, और इसके बाद हमने डिस्कस की सूटेबिलिटी ऑफ रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखेंगे. इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको क्या टास्क परफॉर्म करने हैं और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. और लेक्चर के आखिर में हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे विद वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड प्रोसीजर्स टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर और वेब प्रोजेक्ट. तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये रिसोर्सेज और प्रोसीजर्स को कंट्रोल करती है, ताकि हम जो है एक क्वालिटी ही प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर सकें. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और वेब इंजीनियरिंग.
बेसिकली जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सी कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिन्हें मीट करना लाजमी होता है. जो मोस्ट कॉमन कंस्ट्रेंट्स हैं इनमें बजट कंस्ट्रेंट्स हैं और टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं कि हमने विद इन बजट रह के एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है उसे डेवलप करना है, और इसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो विद इन टाइम कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए. तो इन कंस्ट्रेंट्स को मीट करने के लिए लाजमी है कि हम प्रोजेक्ट्स को जो है वो मैनेज करें और मॉनिटर करें. अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो जॉब है वो देखें तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वो अपने बजट को मीट करता है और इसी तरह से जो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें मीट करता है और हम एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर रहे हैं. तो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर करना है कि जो प्रोग्रेस हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रही है या नहीं, और अगर कहीं पे कोई इशू होते इशू रेज होता है तो उस इशू को रिजॉल्व करना, ये भी जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गुड मैनेजमेंट डजंट गारंटी द प्रोजेक्ट सक्सेस बट बैड मैनेजमेंट यूजली रिजल्ट इन प्रोजेक्ट फेलियर. जब प्रॉपर वे में प्रोजेक्ट्स को मैनेज नहीं किया जाता तो उससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसमें मेजर प्रॉब्लम शेड्यूल डिलेज हैं, इसी तरह से बजट ओवररन और लो कस्टमर्स एक्सेप्टेंस. तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि बैड मैनेजमेंट की वजह से एक प्रोजेक्ट में फेस करनी पड़ सकती हैं. तो अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गोल्स को देखें तो जो मेजर गोल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो ये है कि हम सॉफ्टवेयर को जो है ऑन टाइम डिलीवर करें, इसी तरह से जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें हम मीट करें और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करें. इसी तरह से मेंटेन अ हैप्पी एंड वेल फंक्शनिंग टीम के जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल में काम कर सकें. तो ये मेजर गोल्स हैं जो कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू अचीव करते हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंश्योर करे कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स वो मीट हो रही हैं. इट मींस के प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसे मॉनिटर करना है और प्रोग्रेस को मेजर करना है और उस प्रोग्रेस को मेजर करना कंपेयर करना है प्रोजेक्ट प्लान के साथ. अगर कहीं पे कोई डेफिशिएंसी है तो उसे रिमूव करना, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आइए अब हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसके मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं. सबसे पहला फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग एंड प्रपोजल राइटिंग. तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या इसमें से किसी एक या एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके. आइए अब हम इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं.
तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग से। अगर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो कॉस्ट एस्टिमेशन करें किसी भी प्रोजेक्ट की कि जो प्रोजेक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं इसमें हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और जो दीगर कॉस्ट हैं उन्हें एस्टिमेट करें। इसी तरह से जो एक और मेजर प्लानिंग पैरामीटर है वो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डीपली एनालाइज करे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को और उसके बाद वो एक रियलिस्टिक शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर करें। इसी तरह से रिसोर्स एलोकेशन ये भी प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि हमें किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज को हमने किन रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो ये ओवरऑल प्लानिंग जो है ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की। इसी तरह से जब इनिशियल प्लानिंग हो जाती है जिसमें ये डिसाइड हो जाता है कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो है वो कॉस्ट क्या होगी, प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या होगा और कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका रोल ये है कि वो डेवलपमेंट प्रोसेस को मॉनिटर करें। अब मॉनिटरिंग के दौरान जो चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर ने, उसमें पहली तो ये है कि उसने इंश्योर करना होता है कि जो वर्क हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हो रहा है। और इसी तरह से जो मॉनिटरिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द बजट और टाइम कंस्ट्रेंट्स हो रहा है, क्योंकि जो सक्सेस है किसी भी प्रोजेक्ट की वो बेस करती है कि वो विद इन बजट हो और विद इन शेड्यूल हो। अगर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें तो तीन डिफरेंट स्टेजेस आती हैं जहाँ पे प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली स्टेज है प्रपोजल स्टेज। जब भी कोई कंपनी जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिड करती है तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ये डिसाइड करता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो फिजिबल हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये डिसाइड करना होता है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए क्या प्राइस जो है वो ऑफर करेंगे। बेसिकली जो प्राइस है प्राइस एस्टिमेशन है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एट प्रपोजल टाइम, ये बहुत क्रिटिकल होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो जो डिफरेंट प्राइस फैक्टर्स हैं उन्हें एस्टिमेट करता है और उसके बाद एक रियलिस्टिक प्राइस जो है वो ऑफर करता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में जो है एफर्ट कॉस्ट शामिल होती है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रैवलिंग, ये मेजर फैक्टर्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के प्राइसिंग के। एफर्ट्स जो है इसमें वो कॉस्ट शामिल है जो कि डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पे किया जाता है। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉस्ट है इसमें जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए उसके लिए हमें उसकी कॉस्ट क्या होगी, और इसी तरह से अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या ट्रेनिंग के लिए तो वो कॉस्ट भी शामिल करके प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक प्राइस एस्टिमेट लगाता है और वो ऑफर करता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अब
प्राइस एस्टिमेट लगाते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर को ये भी जहन में रखना पड़ता है कि वो एक ऐसी रियलिस्टिक प्राइस जो है वो ऑफर करे जो जो कि बाकी कंपटीटर्स से बेहतर हो, ताकि प्रोजेक्ट को जो है विन किया जा सके। तो इनिशियल जो प्लानिंग है उसमें हमारे पास रिसोर्सेज की फिजिबिलिटी और जो कॉस्ट एस्टिमेट है, ये मेजर प्लानिंग होती है एट प्रपोजल टाइम। जब हम कोई प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं और हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, तो इस स्टेज पे जो प्लानिंग डिसीजंस एक प्रोजेक्ट मैनेजर को लेने पड़ते हैं, उसमें जो बेसिक डिसीजन है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन लोग जो हैं वो काम करेंगे, तो ये एक मेजर प्लानिंग होती है एट स्टार्टअप टाइम। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल ये भी होता है कि वो डिसाइड करे कि इस प्रोजेक्ट को हमने कितने इंक्रीमेंट्स में डेवलप करना है, और हर इंक्रीमेंट के लिए को बनाने के लिए हमारे पास जो है वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। इसी तरह से जब एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्टअप फेज में होता है, तो इस स्टेज पे जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा क्लियर होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रपोजल स्टेज। तो इस स्टेज पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो रिफाइन कर सकता है अपने एस्टिमेट्स को रिगार्डिंग कॉस्ट, और इसी तरह से जो है वो शेड्यूल्स जो हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एस्टिमेट कर सकता है। अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग की जो थर्ड फेज होता है या थर्ड स्टेज वो होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बिडिंग के टाइम के ऊपर या प्रपोजल स्टेज के ऊपर प्लान किया कि रिसोर्सेज की फिजिबिलिटी को, इसी तरह से जो इनिशियल कॉस्ट है उसे एस्टिमेट किया, और वो प्राइस जो है वो ऑफर की प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से जो लोग हैं वो काम करेंगे, और इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि हमारे प्रोजेक्ट की मेजर कंपोनेंट्स क्या होंगे और हर कंपोनेंट के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। अब थर्ड स्टेज जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग की वो होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। समटाइम्स ऐसा होता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स चेंज होने की वजह से हमें अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर की है कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो प्लान को वो चेंज करें और अपने एस्टिमेट्स को रिफाइन करें। इस स्टेज पे जो एस्टिमेट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं अबाउट टाइम एंड बजट। तो इस तरह से जो ये तीन स्टेजेस हैं, ये इन स्टेजेस पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसे प्लानिंग करनी पड़ती है। इस डायग्राम में आप प्रोजेक्ट प्लानिंग के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो देख सकते हैं। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम है वो आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स, आइडेंटिफाई रिस्क, डिफाइन माइलस्टोन्स एंड डिलीवरेबल्स। तो ये पैरेलल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो प्रोजेक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। जो मेजर कंस्ट्रेंट्स होती हैं अगेन वो टाइम कंस्ट्रेंट्स, बजट कंस्ट्रेंट्स और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है जो कि हर्ट कर सकते हैं हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को, और माइलस्टोन्स और डिलीवरेबल्स जो हैं उन्हें डिफाइन करता है।
जब ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाती हैं तो हमारे पास जो है वो एक प्रोजेक्ट प्लान जो है वो प्रिपेयर हो जाता है और प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो इस स्टेज पे जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका रोल ये है कि उसने सूटेबल इंटरवल्स के बाद जो है वो प्रोग्रेस को मेजर करना है। अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो देखता है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें कोई माइनर प्रॉब्लम है तो वो दोबारा से जो शेड्यूल है उसे उसमें चेंजेस लाते हैं। अगर उसे लगता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो वो अगेन जो प्रोजेक्ट है उसे रीप्लान करता है और जो रिस्क होते हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए एक्शंस करता है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ये समझता है कि जो करंट डेवलपमेंट हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रही है तो वो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। अब ये जो एक्टिविटी है प्रोग्रेस को मेजर करने की ये थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस जारी रहती है और अनटिल के हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो बिल्कुल स्टार्ट जो है किसी भी प्रोजेक्ट का वहाँ से स्टार्ट होती है और फिनिश टाइम तक प्रोजेक्ट जो है उसे उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रीवियस स्लाइड तक हमने जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसमें जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर की उन्हें स्टडी किया। हमने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसे इंश्योर करना पड़ता है कि टाइम कंस्ट्रेंट्स में वो मीट हो रही हैं। इसी तरह से जो बजट है वो बजट कंस्ट्रेंट्स को भी मीट कर रहे हैं और जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है वो भी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है या रिक्वायरमेंट्स हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ डिसीजंस या जो चेंजेस होती हैं उनकी किसी एक पैरामीटर में तो वो इन्फ्लुएंस करती है दूसरे पैरामीटर्स को भी। फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट चेंजेस की वजह से हम टाइम जो है कंप्लीशन टाइम उसे रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो इसकी वजह से जो दीगर पैरामीटर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होंगे। तो हमें या तो फिर क्वालिटी जो है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा या कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम जो है नए रिसोर्सेज ऐड करें डेवलपमेंट प्रोसेस में ताकि वो नए जो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें मीट किया जा सके। तो इस तरह से जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक जो बैलेंस रखे बजट टाइम और क्वालिटी में। और अगर यूज़र जो है वो किसी स्टेज पे इनमें से किसी भी एक पैरामीटर में चेंज चाहता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने कस्टमर को ये बताना है कि किसी एक पैरामीटर में चेंज इन्फ्लुएंस कर सकती है दीगर पैरामीटर्स को भी। प्रोजेक्ट प्लानिंग के बाद जो सेकंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की वो है रिस्क मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो एंटिसिपेट करें रिस्क को, यानी ऐसे इवेंट्स जो कि अफेक्ट कर सकते हैं शेड्यूल और क्वालिटी को। और अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो सकता है या उसकी क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है तो जो सूटेबल एक्शंस हैं वो डिसाइड करना भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के रिस्क की बात करें तो रिस्क जो है बेसिकली एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा इवेंट है जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी या शेड्यूल को अफेक्ट कर सकता है।
तो रिस्क जो है उसकी तीन मेजर कैटेगरीज हैं, प्रोजेक्ट रिस्क विच अफेक्ट द प्रोजेक्ट शेड्यूल और रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस डेवलपर लीव्स द जॉब. अगर कोई एक्सपीरियंस डेवलपर जो है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जॉब छोड़ दे तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो है वो प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो सकता है. हमें नया जो डेवलपर है वो हायर करना पड़ेगा और नए डेवलपर को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में के लिए टाइम चाहिए होगा, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है वो डिले हो सकता है. इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी है रिस्क की वो प्रोडक्ट रिस्क हैं विच अफेक्ट द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो आपने एक कंपोनेंट परचेज किया जो कि रिक्वायर्ड था किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, लेकिन लेटर स्टेज पे ये ऑब्जर्व हुआ कि ये एक सूटेबल कंपोनेंट जो है एक सूटेबल कंपोनेंट नहीं है और ये प्रॉपरली जो है या एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा. तो इस तरह से जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी इफेक्ट होगी. जो थर्ड टाइप है रिस्क की वो हमारे पास है बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क जो है वो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डेवलपिंग द प्रोडक्ट और प्रोक्योरिंग द प्रोडक्ट. तो बिजनेस रिस्क जो है वो उनकी अगर एग्जांपल लें तो कंपटीटर इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं आपके किसी कंपटीटर ने उसी तरह की प्रोडक्ट जो है वो आपसे पहले डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर दिया है, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं कि वो मार्केट शेयर कैप्चर कर सकें. तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और जिसमें हमने प्रोजेक्ट रिस्क और प्रोडक्ट रिस्क और बिजनेस रिस्क को देखा. तो अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसकी मेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंटिसिपेट करे कि जो प्रोजेक्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से रिस्क हैं और इसी तरह से इन रिस्क को अवॉइड करने की जो स्ट्रेटजीज हैं वो डेवलप करना भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है. अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को देखें तो जो पहली स्टेज है रिस्क मैनेजमेंट की वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन. तो इस स्टेज में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो किसी वो प्रोडक्ट जिसे हम डेवलप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उन्हें आइडेंटिफाई करता है, जिनमें प्रोडक्ट रिलेटेड रिस्क हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हैं, इसी तरह से जो टीम है उससे रिलेटेड रिस्क हैं, टूल्स जो हैं उससे रिलेटेड रिस्क हैं. तो इस स्टेज पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद जो है एक लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क जो है वो जनरेट करता है. तो इस स्टेज की जो आउटपुट होती है बेसिकली एक लिस्ट होती है जिसमें जो पोटेंशियल रिस्क हैं उसकी डिटेल होती है. रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्क एनालिसिस करते हैं. इस फेज में जो है जो रिस्क प्रीवियस स्टेज में हमने आइडेंटिफाई किए थे उन्हें एनालाइज करने के बाद उनके अकरेंस के चांसेस को देखा जाता है और उसकी बेस के ऊपर जो है उन्हें प्रायोरिटीज असाइन की जाती हैं. तो जिस रिस्क के अकरेंस के चांसेस ज़्यादा हों अकॉर्डिंगली उसे हाई प्रायोरिटी रिस्क रखा जाता है और जिसके अकरेंस के चांसेस कम हों उसे लो प्रायोरिटी पे रखा जाता है. तो रिस्क एनालिसिस हो गए तो इसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका जो टास्क आता है वो होता है रिस्क प्लानिंग. रिस्क प्लानिंग में जो रिस्क हैं उन्हें अवॉइड करने की स्ट्रेटजीज, इसी तरह से जो है
उन्हें मिनिमाइज करना, तो ये बेसिक टास्क होते हैं। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है वो ये है कि वो ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करें कि जो रिस्क हैं उन्हें अवॉइड किया जा सके, उन्हें मिनिमाइज किया जा सके। प्रोजेक्ट मैनेजर ने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, रिस्क के एनालिसिस कर लिए और रिस्क प्लानिंग कर ली। अब इसके बाद जो फेज है रिस्क मैनेजमेंट का वो मॉनिटरिंग है। तो इस फेज में जो सॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है वो मॉनिटर करता है और इन केस के कोई रिस्क अगर अकर होता है तो वो दोबारा से उसके एनालिसिस करके इन स्टेप्स को रिपीट करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्लानिंग और रिस्क मॉनिटरिंग। तो ये मेजर फेजेस हैं रिस्क मैनेजमेंट के और इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हम बजट और टाइम कंस्ट्रेंट्स जो हैं उन्हें इंश्योर कर सकें। प्रोजेक्ट प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट, इसके बाद जो थर्ड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की वो है पीपल मैनेजमेंट। बेसिकली जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो अवेलेबल टीम है उसमें से लोगों को चूज़ करना होता है कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से लोग काम करेंगे। तो ये एक बेसिक रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसने वर्किंग रूल्स जो हैं वो भी डिफाइन करने हैं ताकि जो टीम वो डेवलप कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। अगर हम वेब डेवलपमेंट टीम की बात करें तो इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी कि अगर एक वेब डेवलपमेंट टीम जो है वो सिलेक्ट करनी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो वो लोग जो होते हैं वो डाइवर्स फील्ड से होते हैं। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर्स चाहिए, इसी तरह से कंटेंट राइटर्स चाहिए, डिज़ाइनर्स चाहिए। तो डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग होते हैं उन्हें जो है सिलेक्ट करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को। इसी तरह से पैरेललिज्म, बेसिकली जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो बाय नेचर उनका डेवलपमेंट टाइम बहुत कम होता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने समटाइम्स एक जो बड़े टास्क हैं उसे सब टास्क में डिवाइड करके डिफरेंट सब ग्रुप्स को असाइन करना होता है और उन सब टास्क को पैरेलल एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये भी एक करैक्टरिस्टिक है वेब डेवलपमेंट टीम का कि जो टीम मेंबर्स हैं वो पैरेलल काम कर रहे होते हैं एक ही टास्क के ऊपर। इसी तरह से जो वेब डेवलपमेंट टीम होती है यूजुअली इसका स्मॉल साइज होता है क्योंकि जो डेवलपमेंट साइकिल है वेब एप्लीकेशंस का उसका ड्यूरेशन कम होता है और इसी तरह से जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी वजह से ये फिजिबल नहीं होता कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो किसी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। तो ये मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं एक वेब डेवलपमेंट टीम के। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एक वेब डेवलपमेंट टीम जो है उसमें मल्टीपल फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स जो है डिफरेंट एक्सपर्टीज की वजह से लोगों में जो है वो कन्फ्लिक्ट्स रेज होती हैं। अब इन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है वेब एप्लीकेशंस के केस में। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसने उस जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें बहुत अर्ली जो है रिजॉल्व करना है, ताकि वो प्रोजेक्ट टाइमिंग या शेड्यूल जो है उसे अफेक्ट ना हो। इसी तरह से समटाइम्स शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम की वजह से ही सब ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन है उन्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। फॉर एग्जांपल एक ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये बात सामने आती है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इससे बेहतर टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस नई टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होने के लिए डेवलपर्स को टाइम चाहिए होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने अब ये डिसाइड करना है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो इससे जो बजट शेड्यूल है वो इफेक्ट हो सकता है, तो वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करेगा, जो कि एक सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरह से ये तमाम डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर को। अगर हम एक वेब डेवलपमेंट टीम की कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसने डिफरेंट रोल्स जो हैं उसके लिए लोगों को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप डिफरेंट रोल्स की बात करें तो हमारे पास मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसी तरह से फंक्शनैलिटी और डाटा। फंक्शनैलिटी मीन्स के जो प्रोजेक्ट है उसके फंक्शंस को डेवलप करना, और डाटा मीन्स के जो कंटेंट्स हमें चाहिए किसी वेब एप्लीकेशन के लिए उससे रिलेटेड टास्क। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो हर रोल के अगेंस्ट जो है वो रिसोर्सेज को साइन करता है। फॉर एग्जांपल जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने परफॉर्म करनी है, जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स जो कि वेब एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। इसी तरह से जो डाटा या कंटेंट्स चाहिए वेब एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए हमें डोमेन एक्सपर्ट और बिजनेस एक्सपर्ट जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से सूटेबल लोगों को जो है वो सिलेक्ट करना ये प्रोजेक्ट मैनेजर की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अभी तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस की हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर की, उसमें हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग, नंबर टू रिस्क मैनेजमेंट, एंड नंबर थ्री जो है वो पीपल मैनेजमेंट। इसी तरह से एक और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की, वो है रिपोर्टिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग ऑन प्रोग्रेस ऑफ आर प्रोजेक्ट टू कस्टमर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान कंटिन्यूसली जो है वो प्रोग्रेस को मेजर करता है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर्स जिनके लिए प्रोडक्ट डेवलप की जा रही है उन्हें प्रोग्रेस जो है उससे इन्फॉर्म रखे, और इसी तरह से जो मैनेजर्स हैं उन्हें भी डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है उससे इन्फॉर्म रखें। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स जनरेट करना जो कि प्रोग्रेस को डिस्क्राइब करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर की है। रिपोर्टिंग के बाद जो एक और बहुत क्रिटिकल टास्क है प्रोजेक्ट मैनेजर का वो है प्रपोजल राइटिंग। बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट को विन करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक प्रपोजल लिखना होता है, जिसमें वो प्रोडक्ट के जो
बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करता है। इसी तरह से जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं कॉस्ट के और शेड्यूल के, उन्हें वो इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट प्रपोजल में। तो ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है इसी पे डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोजेक्ट विन करती है या नहीं। तो इस तरह से ये भी एक क्रिटिकल टास्क है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या, और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कौन कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। आइए अब हम कुछ गोल्डन रूल्स हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो टेक केयर ऑफ एथिक्स इन द टीम। नंबर टू, स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन नॉलेज फॉर द प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली ही जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने मोटिवेट करना है टीम मेंबर्स को कि वो नए और डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें सीखे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके। एक और मेजर रूल जो कि बहुत अहम है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वो यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने कॉन्फ्लिक्ट्स को बड़ा क्विकली रिजॉल्व करना है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो यूजुअली इसका डेवलपमेंट टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है जितना क्विकली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा उतना ही कम अफेक्ट होगा प्रोजेक्ट शेड्यूल। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हुए इस चीज़ को श्योर करना है कि कोई नो टीम मेंबर इज़ अ विनर और अ लूज़र ऑल द टाइम, कि प्रोजेक्ट मैनेजर किसी एक स्पेसिफिक जो टीम मेंबर्स हैं उन्हीं को फेवर ना करें। इसी तरह से हमेशा किसी स्पेसिफिक टीम मेंबर के अगेंस्ट ना जाएं। तो ये एक अहम रूल है वेब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह से एक्सप्लेन टू ईच टीम मेंबर हिज और हर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्टिन्यूसली। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने टीम मेंबर्स के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें कंटिन्यूसली जो है वो बताना है टीम मेंबर्स को, ताकि जो टीम मेंबर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनसे फमिलियर हों और अकॉर्डिंगली जो है उन्हें फुलफिल करें। इसी तरह से वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक और अहम रूल है वो आइडेंटिफाई पैरेलल डेवलपमेंट्स। टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट्स को मीट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसने जो पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें प्लान करना है और उन्हें जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूट करना है। तो ये भी एक अहम रूल है फॉर वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंटेशन टास्क टू टीम मेंबर्स फेयरली अकॉर्डिंग टू देयर स्कोप। प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट द कंटिन्यूस यूज ऑफ टूल्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ट्रांसलेट कॉस्ट एंड वैल्यूज इनटू डिफरेंट प्रोजेक्ट एरियाज। प्रमोट द कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर इन द प्रोजेक्ट एंड ऑलवेज कीप एन आई ऑन द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। आप इन रूल्स में देखें कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डॉक्यूमेंटेशन के जो टास्क हैं उन्हें तमाम टीम मेंबर्स पे बड़ा फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस चीज़ को जहन में रखना है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को वही
टास्क असाइन किया जाए जिस जिसमें वो एक्सपर्ट हो। इसी तरह से जो एक और अहम पॉइंट है वो ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने कस्टमर को जिसके लिए प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व प्रोजेक्ट में, ताकि वो जो कस्टमर है वो प्रोग्रेस को जो है वो देख सके और कोई चेंजेस चाहिए तो उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। और जो लास्ट रूल है हमारे पास वो कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने कंटिन्यूसली जो है वो प्रोग्रेस को मेजर करना है और उसे कंपेयर करना है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो इस तरह से ये जो रूल्स डिफाइन हुए हैं वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, इन्हें जो है वो अडॉप्ट करके एक मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है। अभी तक के लेक्चर में हमने जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखा और इसी तरह से जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया और फिर आखिर में हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो गोल्डन रूल्स हैं वो हमने डिफाइन किए। आज लेक्चर के आखिर में हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं। इसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो कि मैनेज कर जिन्हें जिसकी बेस के ऊपर हम ट्रेडिशनल और वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारे पास वो है मेन ऑब्जेक्टिव। अगर हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि क्रिएट अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। लेकिन अगर हम वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है क्रिएट अ यूजेबल प्रोडक्ट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अब देखेंगे ये जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। जो कन्वेंशनल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं इसमें जो क्वालिटी है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी रखती है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो इस तरह से चीज़ों को प्लान करता है कि क्वालिटी ही इफ़ेक्ट हुए बगैर हम मिनिमम कॉस्ट में इस प्रोडक्ट को डेवलप कर लें। लेकिन जब बात आती है वेब एप्लीकेशंस की तो बाय नेचर वेब एप्लीकेशंस जो हैं उन्हें बड़ा क्विकली जो है वो डेवलप और रिलीज़ करना होता है क्योंकि जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो मार्केट कंपटीशन की वजह से जो है उनका रिलीज़ जो है वो सक्सेस को अफेक्ट कर सकती है। तो जो प्रोडक्ट जितना जल्दी रिलीज़ होगा उसके पास उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मार्केट में अपना शेयर जो है वो बढ़ा सके। तो जब हम आते हैं वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक यूजेबल यानी क्वालिटी जो है वो सब ऑप्टिमल हो लेकिन जो डेवलपमेंट है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हो। तो ये दोनों में जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में ये फ़र्क होता है। इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्ट साइज़ की बात करें तो जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है इसमें जो प्रोजेक्ट्स मैनेज किए जाते हैं वो मीडियम टू लार्ज स्केल होते हैं और जो रिसोर्सेज या लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं वो हमारे पास 10 to 100 पीपल इवन इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करें
वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो कंपैरेटिवली जो कम लोग हैं उन्हें मैनेज करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, तो ऑन एवरेज 6 और ± 3 जो हैं वो लोग यूजुअली काम कर रहे होते हैं एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप देखें कि जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें जो पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर की एज़ कम्पेयर टू वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लेकिन जो इशू होता है वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो ये है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर वो मल्टीपल डिसिप्लिन जो हैं उससे बिलोंग करते हैं, तो ये एक इशू होता है एक चैलेंज होता है कि डिफरेंट फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। इसी तरह से जो ड्यूरेशन होता है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो 12 to 18 months ऑन एवरेज, कि जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है उसे डेवलप करने के लिए हमारे पास 12 to 18 months होते हैं। इसी तरह से अगर हम वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो यूजुअली हमें 3 to 6 months जो है वो डेवलपमेंट टाइम होता है एक वेब एप्लीकेशन का। तो अगेन आप देखेंगे चूंकि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का टाइम कम है तो जो डिसीजंस हैं वो बड़े क्विकली लेने हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने। जो कन्फ्लिक्ट्स आती हैं टीम मेंबर्स के दरमियान में उन्हें अगेन बड़ी क्विकली रिजॉल्व करना है ताकि जो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें मीट किया जा सके। इसी तरह से जो है पैरेललिज्म उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टास्क हैं जो कि पैरेलल हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसे सीखने के लिए जो डिसीजंस हैं वो भी लेने ताकि बजट और जो टाइम शेड्यूल है वो अफेक्ट ना हो। लेकिन अगर हम जब ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं क्योंकि उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो उसमें जो है ज़्यादा टाइम होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कि वो इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस होती हैं इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है वेब एप्लीकेशन से। तो इसमें भी जो लिमिटेशन है एक वेब प्रोजेक्ट मैनेजर की वो यही है कि उसके पास जो बजट है वो लिमिटेड है और उसने उसी लिमिटेड बजट के अंदर रहते हुए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसे डेवलप करना है, जबकि जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं कि वो डिसीजंस ले सके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कॉस्ट के बाद हम बात करें अगर डेवलपमेंट अप्रोच की तो जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें जो डेवलपमेंट अप्रोच यूज़ होती है वो ज़्यादा सिस्टमैटिक होती है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स और यूजुअली हम इसे डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन ड्रिवन होती है, जबकि जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इसमें हमारे पास यूजुअली एजाइल मेथड्स को यूज़ किया जाता है जिसमें हमारा फोकस जो होता है वो प्रोडक्ट को डेवलप करने पे होता है और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अगेन आप देखें कि चूँकि वेब एप्लीकेशंस का जो डेवलपमेंट टाइम है वो कम है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम प्लानिंग के ऊपर स्पेंड कर सकें, तो हमारा जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है बजाय इसके कि हम डॉक्यूमेंटेशन या प्लानिंग पे
टाइम जो है वो स्पेंड करें, लेकिन जो मिनिमम प्लानिंग या डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टिल पार्ट होती है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। इसी तरह से हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जबकि जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इसमें वेब टेक्नोलॉजीज़ जो को यूटिलाइज किया जाता है। जो नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास वो है प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो यूजुअली कोड बेस्ड होती हैं और उसमें रीयूजबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि ये हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें वेब एप्लीकेशंस के साथ तो हमारे पास जो रीयूजबिलिटी है वो कंपैरेटिवली हाई होती है, और स्टैंडर्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम रीयूज करते हैं, और यूजुअली हमारे पास जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो ही डेवलप की जाती हैं। स्टाफ प्रोफाइल एक ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजर को यूजुअली जिन लोगों को हैंडल करना पड़ता है वो एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं विद सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जबकि एक प्रोजेक्ट वेब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसे डिफरेंट फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें हैंडल करना पड़ता है, जिनमें मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, वेब प्रोग्रामर, मार्केटिंग के लोग जो हैं वो होते हैं। आइए लेक्चर के आखिर में हम आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये कि हम बजट और टाइम कंस्ट्रेंट्स को मीट करें और एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करें। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें। इसके बाद हमने जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या टास्क हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के, उन्हें डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि प्लानिंग जो है वो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्लानिंग में जो मेजर डिसीजंस लेने पड़ते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर को वो कॉस्ट एस्टिमेट करना, इसी तरह से जो शेड्यूल्स हैं वो प्रिपेयर करना, और जो प्रोजेक्ट है उसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर करना। तो ये मेजर प्लानिंग डिसीजंस हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। जो सेकंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो कि प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो रिस्क हैं उसमें प्रोजेक्ट रिस्क जिनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, प्रोडक्ट रिस्क जो हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, और इसी तरह से हमारे पास जो है बिजनेस रिस्क होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इन तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसे अवॉइड और मिनिमाइज करने की जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिफाइन करना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है। थर्ड मेजर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर की वो है पीपल मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये डिसाइड करना होता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो काम करेंगे और वो किस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो लोगों को सिलेक्ट करना, उन लोगों को टास्क असाइन करना, ये मेजर रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसी तरह से रिपोर्टिंग, जिसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को मेजर करता है
और कस्टमर और कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उन्हें इन्फॉर्म करता है। और फाइनली जो हमारे पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की, वो है प्रपोजल राइटिंग, जिसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रपोजल डिफाइन करता, प्रपोजल लिखता है, और ये उस प्रपोजल की बेस के ऊपर ही एक कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट को विन कर सकती है। तो प्रपोजल में जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने इनिशियल कॉस्ट एस्टीमेट, शेड्यूल और जो प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स ये डिफाइन करने होते हैं। तो ये प्रपोजल लिखना ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर की। इसके बाद हमने जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसकी बेस के ऊपर ट्रेडिशनल और वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंपेयर किया। अगर आप आज के लेक्चर से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल स्टडी करना चाहें तो इसमें वेब इंजीनियरिंग की बुक का चैप्टर नंबर 9 है, और इसी तरह से जो समर वेली की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है इसका चैप्टर नंबर 22। तो इन दो चैप्टर्स में आप मटेरियल जो है वो स्टडी कर सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।